भाई जिसकी हार मंजूर हो जाए वो मैं तो हारूंगा, वो आदमी ये काम कर रहा है। जयप्रकाश का कोई नया काम थोड़ा है, यू उसकी राजनीति के लायक नहीं हो। आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा ने कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो ऐसे ऐसे टिकट ना दे जो भाईचारा तोड़े हैं, इस बार पर निंदा करता हूँ मैं। और जयप्रकाश को कहना चाहता हूँ इलेक्शन इलेक्शन तरीके से लड़ ले, जो पिछले लोग भूले नहीं है, और आप 4 तारीख को आपको पता लग जाएगा लोग। भाई जिसकी हार मंजूर हो जाए वो मैं तो हारूंगा, वो आदमी ये काम कर रहा है। जयप्रकाश का कोई नया काम थोड़ा है, यू आदमपुर का देख ले, बरवाड़ा का देख ले, पहले अंदरवाने का देख ले, आजकल उचियाने का देख ले, उसकी राजनीति के लायक नहीं हो। आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा ने कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने जो ऐसे ऐसे टिकट ना दे जो भाईचारा तोड़े हैं, चलो आपस में भाई हाँ, दूसरे थोड़ा डिप्टी सीएम दा कोई किस दिक्कत होनी किसानों ने, उनसे बात करो, वो किसान थोड़ा दे, वो ताई कंडी लाड़ी कह रही थी ये किसान थोड़ा दे, ये जयप्रकाश के आदमी सारे। जब वो ये सोचे भाई वो महिला है, महिला ऊपर हाथ उठाना कपड़े फाड़ने को किसका अधिकार है, यू आदमी आपस में बात करो बैठ के, लेडीज लेडीज तो बात करो। दूसरी तरह डिप्टी सीएम दा मूल मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनसे बात करो ना, महिलाओं रास्ता रोकने वाले उनसे बात है। इस बार पर निंदा करता हूँ मैं, और जयप्रकाश को कहना चाहता हूँ इलेक्शन इलेक्शन तरीके से लड़ ले, जो पिछले लोग भूले नहीं है, और आप 4 तारीख को आपको पता लग जाएगा लोग, जब आपका रिजल्ट आएगा 2 लाख वोटा धारेगा जयप्रकाश, जो ऐसे ऐसे काम करेगा लीड बढ़ती चली जाएगा, हारने की घट रहने की ताकत दिखानी, अपना दम दिखाना, अपनी पार्टियां प्रचार करना, अपना काम करना है तो लोगों बीच में बताओ। रास्ता इन्हें वाली ट्रैक्टर पर डीजे बज रहे हैं, डीजे गाड़ी अलग है, ट्रैक्टर अलग है, मोटरसाइकिल अलग है, ये कौन सा अधिकार किसको अधिकार दिया? किसान भाई सारे काम किसान ने, हाँ कौन सा मोरू कितने दायरे, हाँ हमने किसानी कर रखी है, करने लग रहे हैं, वो कौन से बड़े किसान बन गए, कौन सा नया काम करा था किसाना का? किसान है दूसरी चुटेला है, जो बेहतर घंटे में दूसरी चुटेला, जैसे ताऊ दिल्ला ने याद कराया कर देनी, दूसरी चुटेला को 5 साल लोग ऐसे याद करेंगे, जब भाई बेहतर घंटे पेमेंट, जैसे ताऊ दिल्ला ने पेंशन बनाई 100 रुपये, तो बदलाल बंसीलाल आदरणीय कह रहे थे भाई ये तो बनिया नहीं करते, देवलाल ने बनाई नहीं 100 रुपये, आज उन ये सभी सरकारें आऊँ बढ़ानी पड़े, बुढ़ापा मान सम्मान देना पड़ता है। दूसरे चुटल ने कहा था भाई 46 महाराज सरकार आएगी नहीं, पूरी सरकार है, क्या उनसे करेंगे, फिर भी लड़ झगड़ के सरकार में हिस्सेदारी 3000 करवाई दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।